यूपी में 5 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन अब मिल गई है। साथ ही राउंड 2 में टोटल 600 सीटें अब सीधा ऐड होने जा रही हैं। कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाने वाला है और किस रैंक तक के बच्चों को यूपी में इस बार अप्लाई करना चाहिए, मैं हूं डॉक्टर श्लोक। एंड तक इस वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये 5 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, कहां कितनी सीटें आपकी आई हैं। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का आप आर्टिकल यहां पर देख रहे होंगे, 5 मोर मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज आपके गोंडा, कौसाम्बी, लखीमपुर खीरी, औरैया, चंदौली, ये आपके नए मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें आपका 100 सीटों पर परमिशन यहां पर आई है। ठीक है, 2 मेडिकल कॉलेज वो हैं जिनमें 50 पहले आई थी लेकिन अब टोटल 50 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, टोटल 100 सीटें इनमें भी कर दी गई हैं। इस तरीके से 600 सीटें यहां पर टोटल ऐड होने जा रही हैं अब राउंड 2 की काउंसलिंग में। एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि यहां पर 50 सीटें और इंक्रीज हो सकती हैं BRD गोरखपुर में। अब ये हो सकता है राउंड 2 से ऐड हो जाएं या फिर आगे थर्ड राउंड में आपको यहां पर देखने को मिले, मॉपअप राउंड में, लेकिन इसके लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मिली है सीधा यूपी के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी ने यहाँ पर ये न्यूज़ को कंफर्म किया है और यूपी DGME ने भी ये न्यूज़ जो है यहाँ पर बताई है। अब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो यूपी राउंड 2 में अगर आपकी रैंक 6.5 लाख से 7 लाख तक भी है, ऑल इंडिया कोटा की रैंक, तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। इसके साथ साथ SC कैटेगरी वालों को तो अब सोचना नहीं है, लास्ट राउंड तक जाना है। 2 लाख रैंक जितने भी बच्चों की है, आप सभी लोग अप्लाई करिए। आपको कॉलेज 2 लाख से ऊपर भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है। देखिए, स्टेट मेरिट लिस्ट जब आएगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस अब होने वाले हैं, बहुत सारे नए बच्चे अब यहाँ पर आएंगे, तो उस बेसिस पर हम एक और डिटेल एनालिसिस जिसमें एक्यूरेट कट ऑफ आपको बताऊंगा, जैसे राउंड 1 में बताया था कि आपको मिल ही जाएगा और उस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है, इस पर डिटेल वीडियो बनाकर आपको दिखाया भी था। तो अब यहाँ पर अगर आप SC कैटेगरी में हैं, 2 लाख तक अगर आपकी है, तो अप्लाई करिए, कॉलेज आपको मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। मैं कह रहा हूँ 0.1% चांस भी अगर है तब भी आपको सीट नहीं छोड़नी है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं तो राउंड 1 में जो कट ऑफ यहाँ गया है उसमें 3000 से लेकर 3500 रैंक और ऐड कर लीजिए, इतना कट ऑफ आपको जा सकता है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि किस रैंक तक के बच्चों को अब यहाँ पर काउंसलिंग में अप्लाई करना है। काउंसलिंग से मेरा मतलब है यूपी और ऑल इंडिया, किस रैंक तक के बच्चों को MBBS के लिए अप्लाई करना है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और गुड न्यूज़ यहाँ पर दे दूं कि आप अब हमारी हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा किसी की भी काउंसलिंग अगर आप कराने जा रहे हैं और आप हाई रैंक पर हैं, हाई रैंक का मतलब आप 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 रैंक पर हैं जनरल EWS OBC से, या 2 लाख रैंक पर आप SC कैटेगरी में हैं, तो हमने जो हमारा 6,000 रुपये वाला प्लान था वो सीधे 4,500 रुपये में कर दिया है। यहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें बहुत लिमिटेड सीटें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा आपके लिए कि आपको स्टेट वाला कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या ऑल इंडिया से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अब ऑल इंडिया के थ्रू भी सीटें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। यहाँ कंप्लीट आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी इसी फीस में। कंप्लीट काउंसलिंग से मतलब, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हमारी टीम करके देगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना कर देंगे, चॉइस फिलिंग करके देंगे। ऑल इंडिया में तो 400 कॉलेज भरने पड़ते हैं, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक ही जगह पर बैठ कर भरने में, बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ होती है, साइबर कैफे पर जाकर भरवाते हैं, 300 रुपये 400 रुपये घंटे का चार्ज वो ले रहे हैं और उसमें भी BDS के कॉलेज लगा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा काम हमारी टीम करके देगी। व्हाट्सएप एंड कॉलिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 काउंसलर आपको दे दिए जाते हैं, नंबर दे दिया जाता है, कभी भी डाउट हो कि ऑल इंडिया से जाऊँ, स्टेट से जाऊँ, आगे क्या करना चाहिए, पूरा आपको बताएंगे। बॉन्ड एंड कॉलेज की हॉस्पिटल फीस डिटेल सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कट ऑफ की ईबुक जो ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की क्या गई थी या फिर आपका स्टेट में क्या गया था, वो सब आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एडमिशन सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम मात्र अब आपको देने वाले हैं यहाँ पर 4,500 रुपये में, आपको इंस्टेंट 1500 रुपये का यहाँ पर सीधा डिस्काउंट दिया है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो डॉक्टर श्लोक ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके तुरंत जाकर हमारे ऐप से ये प्लान आप परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड सीटें हैं, बहुत जल्दी ये क्लोज हो जाएगा।
सीधा प्लान का भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर भी आप इसे परचेज वहां से कर सकते हैं। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे जो खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं, तो किस राउंड तक जनरल EWS OBC को यहाँ पर वेट करना चाहिए MBBS का, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी, आपके जो बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं उनको भी तो क्लैरिटी यहाँ पर मिले। तो अगर आप 28,000 29,000 30,000 ऑल इंडिया रैंक पर अगर आप बैठे हैं, काउंसलिंग कराई, आपको कॉलेज मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको कॉलेज यहाँ पर मिलेगा 29,000 तक, तो 100% के कॉलेज आपका मिल ही सकता है अगर आप जनरल EWS और OBC में है, ठीक है। इसके बाद जनरल वाले यहाँ 30,000 31,000 वाले रैंक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगा राउंड 2 की मेरिट लिस्ट जैसे ही आ जाती है, और ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस पर भी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहिए, स्टेट कोटा से जाना चाहिए, कहाँ किस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा, ये सारी स्ट्रेटेजी हमारी टीम बना कर देगी। तो अब उससे चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वरना आप हमारा सीधा ये ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।